ओए राजू, ओए ओए, ये तो स्पीड पकड़ गया भागने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। निशाना लगने लगा है दोस्तों, देखें कौन से वाले पे निशाना लगना है। दोनों ही पास ये गया। जल्दी आ जा, फेर लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोपहर के 12:30 बजे दोस्तों, डेरे पर पहुंचते ही सूरज ने अपना मुखड़ा दिखाया। हमारी नील गाय जो है इसको हमने बाहर निकाला दोस्तों, धूप सिखाने के लिए, ताकि यहाँ पर इसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। डॉग से इसको महफूज रहेगी, थोड़ी धूप सेक लेगी, उसके बाद फिर इसको टोरे फेरे के लिए खोलेंगे। माशाल्लाह ये पहले ही दिन अपना दिल लगा गई कैद में, इसको अच्छा नहीं लग रहा, इसका बाहर निकलने को मन कर रहा है। अपनी रूटीन का आगाज़ करते हैं, आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं। ये तो घोड़ियों को भी बाहर निकाला दोस्तों, थोड़ी धूप इनको मिल जाएगी, जो सर्दी इनको चढ़ी हुई है वो उतर जाने वाली है। ये इतने की घोड़ी खोल गई सी कोई? अच्छा, हमारी परी का भी हम जल्द ही अल्ट्रासाउंड करवाने वाले हैं। परी हमारी इंशाल्लाह कन्फर्म गब्बर निकलेगी दोस्तों, अल्लाह से पूरा यकीन है। लगाएगा दोस्तों, केज के अंदर बंद किया, वहाँ पर ये बिल्कुल ही बेचैन हुई बड़ी है। तो ये हमारे पीछे पीछे हुई बड़ी है, सुबह भी आज गाय का दूध ही पिलाया तो गाय के नीचे ये लग गई है, इसकी आधी फिक्र ख़त्म हो गई। ये भी अमीर के पीछे पीछे कबूतरों की तरह लगी हुई है। सूरज देखे वक्फे वक्फे थोड़ा सा मुखड़ा दिखाता है, पूरी आबोताब के साथ नहीं निकल रहा, और निकलने का कोई इम्कान भी नहीं है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है। घोड़ियों का खरखरा लगा रहे हैं, साथ हमारी नील गाय को इसको हम टोरा फेरा करवा रहे हैं। ये पीछे पीछे देखें जिधर भी जाए इसने पीछे पीछे ही रहना है दोस्तों। हाँ जी, आजा स्पीटा मार ले, आजा स्पीटा मार ले, आजा चलिए। केज के अंदर बंद किया है दोस्तों लोहे वाले, तो उसमें ये बड़ी बेचैन ही थी, इसने अपना मुंह जख्मी करवा लिया थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं इसको हुई, थोड़ी सी ऊपर से मांस ही उतरा है, तो खैर ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये वाली घोड़ी खा पी कर रज कर देखे बैठ गई है। घोड़ियों के जुल्फों में सरसों का तेल लगाने लगे दोस्तों, ताकि इनमें थोड़ी चमक आए। पहले सुल्तान को लगाया, अब काजल को लगाने लगे हैं, और मैं अपनी नील गाय के पास बैठा हुआ हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काजल घोड़ी भी हमारी सेहत में कुछ बेहतर होना शुरू हो गई है। और परी जो है ये तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अपनी सेहत बना गई, पहले इसकी हड्डियाँ नज़र आती थी, अब अपनी हड्डियाँ छुपा गई। काजल की भी जल्द ही इंशाल्लाह हड्डियाँ छुपी हुई नज़र आएंगी आपको। काम देखें दोस्तों, ये मुझसे दूर आ गया और मेरे बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आ रहा, इसके पास से आते हैं वो वाइल्ड है, कहीं अपनी माँ को ही ना तलाश कर रहा हो दोस्तों। देखें फसलों के अंदर आ गया, ये निकले जा रहा है, ये तो भाग ही ना जाए कहीं, ये इसको रोकना पड़ेगा। ओए राजू 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 राजू, देखें चलता ही जा रहा। आपने बहुत सारे नाम बताए दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे नाम सजेस्ट किए, जिसके अंदर से मुझे सबसे प्यारा नाम इसका राजू ही लगा है, तो इसको लेकर चलते हैं। ये हमसे रूस कर डेरे से देखें भाग कर दूर ही जाना चाह रहा है, इसको फॉलो करते हैं। वैसे ये करना क्या चाह रहा है, चले इसकी वॉक भी हो जाएगी, देखें स्पीड भी अच्छी खासी है इसकी। ओए राजू, ओए ओए, ये तो स्पीड पकड़ गया भागने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, इसको पकड़ते हैं दोस्तों, ये तो स्पीड पकड़ता जा रहा है। वाह, ओए इसका ये भी एतबार नहीं है, ये बाहर निकल जाए। ओए देखें घर की तरफ नहीं जाना चाह रहा दोस्तों, इस तरफ ही खेतों की तरफ ही जाना चाह रहा है ये, घर पर जाने के लिए हमसे नाराज़ हो गया दोस्तों, नाराज़ होकर हमसे ये भागे चले जा रहा है ये। तो मैंने हाथों में ही उठा लिया दोस्तों, ये हमसे रूट कर जाने लगा। ओए तेरे वास्ते तो दाना पे देखे, हाथों में भी ये बेचैन हो रहा है। के पास आकर मैंने इसको छोड़ा है दोस्तों, फसलों से इसको पकड़ कर लाया हूँ, काफ़ी दूर निकल गया था ये। आ जाए, अब मुझे ये शायद फॉलो करेगा। हाँ जी, अब मुझे फॉलो ही करेगा ये, नहीं वो अभी भी देखे भागने का ही सोच रहा है। ओए आ जा, सची तेरा की बिगाड़ा ही एडा प्रेम करते करते, चल चल आ जा राजू आजा। ओए नहीं जाने फिर तो यार ये राजू, ओए इधर उससे खड़ा वे भी बच गया सी ये, अबे वो मैं पता कितों भेजू तो डेरा को फाड़ के ले आया ना, रोस बोतल में दूध डालने लगे हैं दोस्तों, इतनी देर में ये निकल गया जी सीधा, इसको देखते हैं। मिला के राजू हमारे काबू आ गया, इसको दूध पिलाते हैं, दूध अभी थोड़ा सा इसके लिए हल्का सा गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इसके बाद ही इसको पिलाएंगे। राजू वेख असी तेरे वास्ते दूध लेके आए हैं, वे रुस गया अपने तो वेख, अगे तो पीछे पीछे फिरता दूध वास्ते। जल्दबाज है दोस्तों,
गिलया बजा करिए सुकून से अपना दूध पी रहा है। ये नहीं, सारा दूध इसने फिनिश कर लिया, थोड़ा ही रह गया और बड़ा ही जल्दबाज है दूध पीने के मामले में। अभी इसने आज भाग जाना था दोस्तों, मैंने ये देख लिया कि इसको अगर बाहर छोड़ा जाए तो थोड़ी देर अगर इसको ना देखें तो पता नहीं ये कितनी दूर चला जाए। और निकड़ू सा है, फसलें भी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, इसने नज़र ही नहीं आना। कैसा ज़बरदस्त है ये, ले जी राजू का दूध जो है ये फिनिश हो गया। अभी इसको वॉक के लिए छोड़ते हैं, लफीटर सामने के रखते हैं। जिधर भी मैं जा रहा हूँ दोस्तों, राजू मुझे मुसलसल फॉलो कर रहा है, गब्बर के काम देखे राजू को देखकर, इसीलिए इसको डॉग से दूर रखा हुआ है। इधर को हमारे बर्ड्स जो है ये सारे के सारे खुले हुए हैं और इधर फसलों में पहुंचे हुए हैं दोस्तों। टर्की बर्ड्स आली के ऊपर अपने हाथ साफ कर रहे हैं और बैठा दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। बहुत सारे दोस्तों ने इसका नाम नीलू भी बताया, तो इसका नाम नीलू, राजू, गबरू, ये तीनों नाम ही मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे हैं। इनमें से तीनों में से एक नाम रखना है, नीलू, राजू या गबरू, क्योंकि नर इसके लिए मादी लेकर आएंगे, उसका फिर नाम हम मादी वाला ही रखेंगे। नीलू देखिए मेरी पारियां भी लेता है दोस्तों, नीलू, नीलू नाम भी वैसे बड़ा जबरदस्त रहेगा। आप लोग बताएं। ने एक गल है, राजू रख दिया उन्हें डेरे का राजा ते रानी। हाँ यार राजा रख दिता जा, बादशाह भी कई बंदे ने, बादशाह भी कई बंद ने, राजा रख दिए फिर रानी ले आइए तो उनका ना रानी रख दिए ना। तो आप लोग बताएं, हाँ आप लोग बताएं दोस्तों, राजा, रानी, राजू, नीलू, गब्बर, इन पांच नामों में से कोई एक नाम बताएं। यहाँ से व्यू देखें हमारे डेरे का, कनोपी का भी देखें, रेड कलर होने के बाद क्या ही खूबसूरत व्यू दे रही है यहाँ पर। कनोपी का भी मैं सोच रहा हूँ कि येलो कलर जो है पिलरों के ऊपर ये भी चेंज किया जाए, येलो की जगह कैमियो कलर ही जो बाहर हुआ हुआ यही कलर इसको दिया जाए तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये कबूतरों की छत पर आकर दोस्तों ये टिक गया, देखें धूप इसको मिली है तो यहाँ पर पक्का नीचे फर्श है, आराम से कौन से इसको ऊपर कबूतरों की छत पे ही दोपहर पर छोड़ दिया। अगर अभी बच्चा है तो कबूतरों की छत पर इसको रखा जा सकता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर नहीं रखा जा सकेगा इसका, फिर ये डर रहेगा कि कहीं जंप ही ना कर जाए। बकरियों के लिए भी लांगियाँ आ गई हैं दोस्तों, श्रींग की लांगियाँ लेकर आए हैं, बकरियों को इससे रजाते हैं। डायमंड जो है दोस्तों दोपहर के वक्त बड़ी अच्छी सिक्योरिटी करता है। अभी सामने किसान पानी लगा रहे हैं, उनकी तरफ देख कर भौंक रहा था, मैं बाहर आकर देखा, मैंने कहा पता नहीं कोई ना कोई आया तो सामने देखा साथ वाले जमीन वाले पानी लगा रहे हैं तो इस वजह से भूख रहा है। बिल्ली ने दोस्तों, ओए कासम है, कासम है, ओ बिल्ली कबूतर लगा के भाज के पकड़ो उन्हें, जल्दी जी अंदर गई, जल्दी ले, जल्दी कबूतर अमीर वाला, जल्दी 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 वड़ मार देगी नहीं देर से, तो पकड़ उन्हें, पकड़ 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 पकड़, जल्दी पकड़ ले, जल्दी जल्दी पकड़, कबूतर छड़ता है ना, देखिए कबूतर, ओए अमीर ने अपनी जान नहीं छड़नी, बच गया कबूतर, बच गया, मैंने तो लगता काम पा दिता यार इन्हू। ओए बिल्ली ने दोस्तों कबूतर पकड़कर एक सेकंड में लेकर भागी। मैं यहाँ पर बैठकर टिकटॉक पर लाइव बैठा हुआ था, फारिक बैठा हुआ धूप सेक रहा, मैंने कहा टिकटॉक पर थोड़ी देर लाइव आते हैं, एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो ये जो हमने मोटरसाइकिल के साथ कबूतर लगाया हुआ है इसको बिल्ली लेकर जा रही थी दोस्तों। ये तो शुक्र है एक मिनट में हमने इसको पकड़ लिया, वरना तो आज कबाड़ा हो गया था। इस पर लगा दोस्तों कबूतर की जान बच गई, लेकर भाग कर ये कमरे के अंदर घुस गई, पीछे पीछे भागा। एक सेकंड भी अगर इसको टाइम मिल जाता तो इसने कबाड़ा कर देना था। कबूतर को अच्छी तरह चेक किया है, शुक्र है कि कबूतर को ज़ख्मी नहीं किया अभी इसने, शुक्र है कि दोस्तों बचत होगी, वरना अमीर की आज बेचारे की सारी मेहनत, और यही वाला कबूतर है जो पूरा मोटरसाइकिल पर लगा हुआ, और इसको भी हमने ट्रेनिंग के लिए लेकर भी जाना था, वरना अमीर की आज सारी बेचारे की मेहनत जो है वो ज़ाया जानी थी। ऊपर हमारे नील गाय को मिलकर आते हैं, नीलू को मिलकर आते हैं, नीलू, राजू, गब्बरू, गब्बर, गब्बर, क्या नाम इसका होगा। वाह देखिए अभी भी बड़ी मासूमियत से माशाल्लाह यहाँ पर बैठकर धूप सेक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जगह इसके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों, सर्दियाँ सर्दियाँ, जब तक धूपें नहीं निकलती, जब धूप निकले तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया करेंगे, सारा दिन यहाँ पर धूप सेके, जिस दिन धूप ना निकली इसको फिर नीचे अपनी निगरानी में रखा करेंगे। आते ही मुझसे मिलने के लिए आया, ये इसके सुख है, ममता रखता है, ये जल्द ही हम सबके दिल जीत लेगा इंशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह। ओए हाँ जी सर्दी उतर गई होनी तेरी, सर्दी इसकी आज अच्छी तरह उतर गई है, अच्छी धूपें मिल गई हैं, इस तरह धूप में मिलती रहे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। देखें जिधर को मैं भागूंगा दोस्तों इसने मेरे पीछे पीछे ही भागना है। फिर तेरा कबूतर लाएगी बिल्ली,
आ जड़ा लात ते लग गया है अल्लाह दी कसम है। बस वो बिल्ली लै के अंदर वड़ गई उसनू ते बड़ी औखी होंदी जा छुड़ाया उसनू इत्थों लै के भज्जी है ते मैं इत्थे बैठा जी लाइव ते एकदम बच गया शुक्र है। फिर भी उसनू चेक कर लै चंगी तरह किथे ये तो वाकई दोस्तों मेरी नज़र नहीं पड़ी मैंने अच्छी तरह चेक किया अच्छा खासा जख्मी हो गया कबूतर। मैं तो समझ रहा था कि बचत हो गई है मैं तो क्या बचत हो गई शुक्र मनाया है। यही लग गया ऐसे ना नजर ही लग गई उस्ताद इन कोई वैसे हौसले च ना अच्छा खासा जख्मी हो गया बस नजर ही लग गई इन वीरे वीडियो च इथों लै गया वो मरले वाली पक्की दा तोड़ गया हट दे तोड़ गया कोई गल नहीं आ जा। पर दोस्तों दो मग बैठे हैं एक दोस्त को कॉल की है और सामने देखे दोनों मग बड़े तकड़े मग है दोस्त को कॉल की है वो बंदूक लेकर आ रहे हैं उनके पास बंदूक है बंदूक से इसका शिकार होगा बड़ा ही लजीज इसका गोश्त होता है पिछले दिनों भी हमने एक शिकार किया आज फिर से अगर ये बैठे रहे दोस्त के आने तक मुझे इनकी निगरानी करनी पड़ेगी। दोनों ही तकड़े मग हैं दोनों ही मग दोस्तों इकट्ठे हो चुके हैं और ये अगर इकट्ठे रहे तो दोनों का ही शिकार हो जाएगा अगर अलग अलग हुए तो एक ही गिरेगा। दोस्त भी हमारा बस पहुँचने वाला होगा साथ ही बस्ती में रहता है मैंने उसको कॉल किया अगर अर्जेंट आए पहुँच चुका है दोस्तों ये देखते हैं कि क्या बनता है जी उधर से बंदूक लेकर मोटरसाइकिल पर दोस्त इनको देखकर दोस्तों सीधा चला गया शिकारी बंदा है अपनी जगह का हिसाब लगाकर फिर ही निशाना लगाएगा इसको काफ़ी ज़्यादा दूर लेकिन गन का निशाना उनको पता है कि अपनी कितनी रेंज है ये कन्फर्म गिरेगा और बंदे का निशाना भी बड़ा ही पक्का निशाना है छुरी देखिए हमने तैयार की हुई है छुरी रेडी रखते हैं जी निशाना लगने लगा दोस्तों देखें कौन से वाले पे निशाना लगना है दोनों ही पास ये गया जल्दी आ जा फेर लिए ये निशाना देखे मैं पक्का यकीन सी मैं छुरी वे पहले ही तैयार की हुई है दूजा कितने गया वो जाना ही जाना ही जाना जल्दी आ माजू जल्दी आ जल्दी जल्दी चुकी जल्दी जो हमने मग का शिकार किया था ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है दोस्तों अब हमें तलाश है तो इसके दूसरे साथी की है वो भी ज़रूर आएगा फसलों के ऊपर बगले और कौवे तो फिर से आ गए लेकिन वो अभी तलक नहीं आया वो भी कहीं दरख्त पर बैठ गया होगा तो उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं उसके बाद इसका गोश्त बनाते हैं जी। तो मुझे भी अभी घर को जाना पड़ेगा दोस्तों दूसरे मग का इंतज़ार किए बगैर वो नसीबों में ही नहीं था हमारे नसीब में होता तो आ जाता अभी भी अगर आ गया तो अमीर के जिम्मे लगाया मुझे कॉल कर देगा दोस्त भी वापस चला गया तो वापस उसको बुला लेंगे जी। तो अभी घर को चलते हैं व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं अभी के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा खुश रहें आबाद रहें खुशियाँ बांटें अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।